इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोलिए भारत माता की। कैसे बताया? भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी है। मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। सुभाष बिना, लेकिन श्रोताओं बताया जाता है कि जब इस भारत देश के अंदर आजादी आई तो कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। आप विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताइए कि जब इस भारत देश में आजादी आई तो लड़ाई दंगा नहीं हुआ, हुआ था या नहीं हुआ था, बताना एक बार हाथ उठा के। लड़ाई झगड़ा हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। आइए श्रोताओं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस भारत देश में आजादी लड़ाई दंगे से नहीं आई। श्रोताओं बताया कि है कसम तुम्हें सच बतलाना, है कसम तुम्हें सच बतलाना, देंगे सम्मान सभी तुमको, क्या नव युवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको, अगर याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी जिनकी विधवा बन अनाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा हिंसा कर पर ले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, अरे उस नेता भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता। पहली कली में क्या बताया? शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए। मंगल पांडे चंद्र शेखर, मंगल पांडे चंद्र शेखर गए हुए उदास बिना देश में आजादी। मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। झांसी वाली रानी थी, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई। लेकिन श्रोताओं बताया कि आज ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि उन वीर शहीदों को कोई भी याद नहीं करता जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया। अगर वो वीर शहीद हमें आजाद नहीं कराते तो आज हम भी किसी अंग्रेज की जूतियां साफ कर रहे होते। आइए एक बार वो देशभक्त हाथ उठाएंगे जो सच्चा हिंदुस्तानी, हाथ उठाना एक बार, जो सच्चा हिंदुस्तानी हाथ उठाइए, जो कोई पाकिस्तानी बैठा हो मत उठाना।
जो सच्चा हिंदुस्तानी हाथ उठाइए, पीछे वालों इधर से, पाकिस्तान हाथ उठाइए, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जोरदार जयकारा लगाना है, बोलिए भारत माता की। ऐसे श्रोताओं बताया कि आजकल के नेता लोग, मंत्री लोग भी बदल गए। कैसे हो गए कि कुछ नेता लोग उन वीर शहीदों के नाम की बोलियां लगाते हैं। श्रोताओं, कोई नेता ये कहता है क्या हुआ, शहीद मर गया, तो शहीद तो मरने के लिए होते हैं इस देश पर। लेकिन श्रोताओं क्या ये बताइए, एक नेता बोलता है कि क्या हुआ मर गया तो इसके घर वालों को 5 लाख रुपए दे दो। दूसरा नेता, दूसरा मंत्री ये बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे नेता ने अगर 5 लाख रुपए दिए तो मैं 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ, 10 लाख रुपए दे दीजिए। श्रोताओं आप सभी बताइए, क्या एक नौजवान की कीमत, एक शहीद की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? हो सकती है, नहीं हो सकती? हाथ उठा के बताइए, हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। श्रोताओं एक कवि ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, क्या लिखा, अगर आपको भी अच्छी लगे ये बात तो जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा, मेरे लिए नहीं, उस कवि के लिए जिसने इन दो लाइनों को लिखा है। श्रोताओं बताया सुनने के बाद में, बच्चों क्या बताया, कि तुमने 10 लाख दिए है सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दिए है सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब पता लगेगा, जब किसी बड़े नेता का बेटा बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा, जब पता लगेगा कि एक बेटे की कीमत कैसे लगाई जाती है। दूसरी कली में क्या बताया, रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी, ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी, ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। लोगों का मानना तो ये है कि अगर हम भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ा लेंगे तो हम भगत सिंह बन जाएंगे, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कपड़े पहन लेंगे तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे। लेकिन श्रोताओं बहुत अच्छी लाइन है कवि ने लिखी, कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, अरे राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा, और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा, आज ऐरे गेरे नथू खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था आज मंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसी हो गई इस देश की हालत। आइए तीसरी कली के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या लिखा, सबसे बढ़ के वीर बोस थे गोरे देह सतमान गए, फौज तारी आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए, फौज तारी आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए, अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से
देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना ओहो और आदरणीय मनोज बैसला जी जिन्होंने पहले भी पुरस्कार दिया फिर से 500 रुपए देते हैं जो सोनाटेक कंपनी के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से धन्यवाद बैसला जी का श्रोताओं बताया कि वीर शहीदों ने तो इस भारत देश को आजाद कर दिया लेकिन आज मेरे देश की हालत कैसी हो गई कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन आइए आखिरी कली के माध्यम से क्या बताया लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया सारी रियासत करी इकट्ठी हिंदुस्तानी ये बना दिया सारी रियासत करी इकट्ठी हिंदुस्तानी ये बना दिया राधा और हरे राम बैसले राधा और हरे राम बैसले गाते ढंग खास बिना देश में मेरे देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना भारत माँ तेरी कथा अधूरी भारत माँ तेरी कथा अधूरी वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी मेरे देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना